पिछले महीने लाहौर गया था वैसे ये वाली बिल्कुल। अरे मजे का क्या है, लाहौर लाहौर है, लाहौर की तो बात ही अलग है। अलग ही तो है, क्योंकि जितना बड़ा तुम्हारा लाहौर है उतना बड़ा तुम्हारा जौहर है। क्या फायदा इतने बड़े जौहर का जब घंटों ट्रैफिक में खड़ा रहना पड़ता है ना, लग पता जाता है। ओहो क्या हुआ, ये न्यूज़ देखी है तुम लोगों ने? कोरोना केसेस के इजाफियत के तहत तमाम बोर्ड के इम्तहानात मुलतवी कर दी गई और तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। यानी कलम फाइनली बीच पार्टी पर जा सकते हैं और मैं सुकून की नींद सो सकती हूँ और मैं पेशावर के लिए निकल जाऊंगा कल ही। पहले मुझे ये बताओ तुम्हें न्यूज मिली कहाँ से? हमारा एक फैमिली ग्रुप है जिसमें सभी लोग ऐड हैं, तो वहाँ पे मामू ने भेजी। और मामू को किसने भेजी? वो पता नहीं। लिसन, ऐसी किसी न्यूज पे यकीन मत करो, पहले देख तो लो कि ये सही है भी कि नहीं। अरे ओरिजिनल टीवी अनाउंसमेंट ही होगी, ये देखो। लेकिन इसमें डेट, डेट तो सही आज ही की तो है। अलीना हर न्यूज फेक तो नहीं हो सकती ना। देखो इसमें चैनल का लोगो भी नहीं लगा हुआ। ओ पुपो, अब तुम ये जासूसी छोड़ो और ये बताओ कि अर्ली वेकेशन सेलिब्रेट किस तरह करने है? 2 दिन के बाद एग्जाम्स हैं। अगर ये न्यूज फेक निकली ना तो बाद में मुझे मत कहना तुम लोग। रिलैक्स फॉर वंस, एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए और अब वेकेशंस एंजॉय करो प्लीज। आई गेस नोमी, बीच पार्टी का क्या प्लान है? एक्स्ट्रा शीट्स प्लीज। तुम लोगों के चेहरे क्यों लटके हुए? आज का मैच हम हार गए। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सामने वाली टीम इतनी प्रिपेयर्ड होगी, क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री हमारी पूरी टीम के बराबर थी। हम सब तो जीरो पर ही आउट हो गए। हाँ हाँ, हंसो तुम भी हमारे गम पे। छोड़ो मोमिना, ये एक्स्ट्रा शीट्स मांगने वाले हमारा गम क्या समझेंगे? मैंने कहा था न्यूज को वेरीफाई कर लो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं। But like, how do you figure out it's fake? It's important. Whenever you see a news piece, don't believe it right away. कुछ डिफरेंट सोर्सेज चेक करो ताकि वेरीफाई हो जाए कि न्यूज़ ऑथेंटिक है। अगर वो एक स्क्रीनशॉट है तो उसके फॉर्मेटिंग देखो। अक्सर पुरानी इमेजेस में स्पेलिंग्स और लेआउट ठीक नहीं होते। सी इफ द इमेज हैज एनी डेट ऑन इट एंड वेदर इट मैचेस विद द टाइमलाइन। कभी कभार पुरानी इमेज भी रिसरफेस कर जाती है और लोग डेट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई न्यूज़ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले तो आप फौरन रिपोर्ट करें ताकि वो आगे स्प्रेड ना हो।